सिंगरौली के पेड़रवा क्षेत्र में टीएचडीसी कंपनी कोल माइंस का काम किया जाना है, जिसको लेकर जन सुनवाई का आयोजन किया गया, लेकिन क्षेत्र के नाराज विस्थापितों ने इस जन सुनवाई का पहले बहिष्कार किया, फिर प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीण जन सुनवाई में शामिल हुए। जन सुनवाई के आयोजन में पहुंचे ग्रामीणों ने पहले यह कहकर जन सुनवाई का बहिष्कार किया कि 14 वर्षों से यह जन सुनवाई हो रही है, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। हम लोगों की जमीन को सिंचित को असिंचित किया जा रहा है। 14 साल से विस्थापितों को सुविधा नहीं दी गई है। कई संपत्तियां छोड़ दी गई जिनको प्रशासन ने शामिल नहीं किया। जनसुनवाई शहर में की जाती है, जहां कई ग्रामीण पहुंच नहीं पाते हैं। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और अपर कलेक्टर डीपी वर्मन की समझाइश व विस्थापितों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन देने के बाद टीएचडीसी कंपनी क्षेत्र के सैकड़ों विस्थापितों ने जनसुनवाई में भाग लिया। 2009 का में अवार्ड एक पास हुआ था, जिसको संशोधित अवार्ड 2019 अगस्त में प्रशासन द्वारा जो है वो सूचित किया गया है। उसके आधार पे जो नियमानुसार जो भी बन रहा है जो मुआवजा, वो प्लस जो वर्ष 2019-20 का मार्केट वैल्यू जमीन की है या संपत्तियों का है, उसके अनुसार कुछ जो नियमानुसार मुआवजा दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जन सुनवाई टीएचडीसी की जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई थी, क्योंकि ये जन सुनवाई कई बार जिला प्रशासन ने कंपनी प्रबंधन के साथ मिलकर के जाने भी लगाई है, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण आज तक नहीं कराया गया। फिर जन सुनवाई कराने का कोई औचित्य नहीं था, जिस कारण से विस्थापितों ने, सभी लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने भी विरोध दर्ज कराया था और बहिष्कार किया था। फिर इसके बाद जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि 2 महीने में जो उनकी मूल समस्याएं हैं, सूची, विस्थापन सूची जो है, उसको 2 हफ्ते के अंदर जिला प्रशासन प्रकाशित करेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।